ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूलिंग के बारे में कि ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्पेशल किड्स हैं, उनके लिए कई बार कन्फ्यूजन होता है ना कि कौन से स्कूल भेजना सही रहता है। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सब लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो स्पेशल किड्स हैं, ऑटिस्टिक हैं, डाउन सिंड्रोम है, एडीएचडी है, इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें सीवियरिटी अलग अलग होती है। सीवियरिटी, कोई भी डिजीज या डिजॉर्डर की सीवियरिटी हम ऐसे ये करते हैं कि ग्रेड वन कहते हैं, ग्रेड टू कहते हैं, ग्रेड थ्री कहते हैं। ग्रेड वन को हम माइल्ड भी कहते हैं और ग्रेड टू को मॉडरेट कहते हैं, ग्रेड थ्री को सीवियर कहते हैं। ठीक है, ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सब भी इसी कैटेगरी में, इसी तरह से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। सीवियर केस जब देखेंगे ना आप, ऑटिस्टिक बच्चों में, एडीएचडी के केसेस में, तो उस केस में क्या होता है ना कि सीवियर अगर है तो उन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन की प्रॉब्लम होती ही होती है। डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक डिफेक्ट है। सिंड्रोम जहाँ नाम आ गया, मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेज एंड डिजॉर्डर्स, इनको सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सिंड्रोम हो गया, रेट सिंड्रोम होता है, विलियम सिंड्रोम होता है, ये सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, इनमें एक तो नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह के केसेस में डाउन सिंड्रोम, इस तरह के केसेस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलती है, मतलब बौद्धिक क्षमता में कमी, आईक्यू लेवल काफ़ी कम होना। सीवियर ऑटिस्टिक केस में भी आईक्यू लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। फेसियल अपियरेंस ही इनका थोड़ा अलग होगा, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होगा। इस तरह के केसेस के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं क्योंकि इनमें पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। डाउन सिंड्रोम में भी अलग अलग सीवियरिटी होती है, सीवियरिटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब डाउन सिंड्रोम वाले जो लोग देख रहे होंगे, पेरेंट्स देखेंगे कि उनके बच्चे को है तो वो होपलेस ना होंगे, कम प्रॉब्लम। डाउन सिंड्रोम में भी अलग अलग तरह, बहुत सारे बच्चों में बहुत कम प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे वो मैनेज कर लिया जाता है और वो काफ़ी हद तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से जी लेते हैं। लेकिन वो जो मैंने बताया कि जिनका फेसियल अपियरेंस पूरा, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह का ये होगा, उस तरह के केसेस में क्या होता है, उन बच्चों को स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे काम, कढ़ाई बुनाई, बटनिंग वटनिंग, जो बटन वो टांकना होता है, वो जो ये सब में वो रैपर वगैरह बनाना रह, और उसके अलावा वो पैकेट वैकेट बनाना, इस तरह के बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, ये कि वो रहेंगे उसी तरह से, लेकिन उनको एक पैटर्न, इस तरह के बच्चे पैटर्न पकड़ते हैं, एक पैटर्न बता दिया गया, उसमें क्या है कि वो, ये तो सेल्फ सेंटर्ड होते ही हैं मैक्सिमम केसेस में, तो ये क्या है कि एक ही पैटर्न पे उनको काम करना है, तो वो चीज़ें वो ट्रेंड हो जाते हैं और उस पर वो काम करते जाते हैं, उनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं रहता है, ज़्यादा सोशलाइजेशन वगैरह का ये नहीं रहता है, बहुत तरह का ये नहीं रहता है, वो उस लायक होते हैं। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके बच्चे का फेसियल अपियरेंस गड़बड़ है क्या, मतलब नॉर्मल बच्चों से अलग दिखता है क्या, एक बात। दूसरा नोटिस कीजिए कि वो बातों को बिल्कुल भी नहीं समझता है क्या, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो, मतलब मान लिया 5 बार में समझा, 10 बार में समझा, या फिर 100 बार बोले, 100 बार में 99 बार नहीं समझा। इसके अलावा चेक कीजिए कि उसको आसपास की चीज़ों से मतलब बिल्कुल भी नहीं रहता है क्या, मतलब आसपास में गोली चलने लगे, बंदूक चलने लगे, बम चलने लगे, उसको फर्क ही नहीं पड़े, मतलब उस तरह का साउंड हो, उस तरह की चीज़ें हो, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्या, ऐसा भी है क्या। इसके अलावा देखिए कि वो जहाँ है बस वहीं है, उसको कितनी भी चीज़ें सिखाई समझाई जा रही हैं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, महीनों महीने हुए कोई भी चीज़ नहीं सीख पा रहा, ऐसा भी है क्या।
अगर ऐसा है तो ही वो स्पेशल स्कूल जाने के लायक है। अगर ऐसा नहीं है, और जो कि मेरा अनुमान है कि 90 से 95% केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका बच्चा स्पेशल स्कूल जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल स्कूल में ऐसे बच्चे जाते हैं, अगर आपने अपने बच्चे को भेजा कि वो चीज़ों को तुरंत तुरंत सीख ले रहा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम सीख लेगा, उसकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम कई गुना और बढ़ जाएगी। स्पेशल स्कूल आप सिर्फ इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि अपने चैनल को चलाने के और स्पेशल स्कूल से कुछ परसेंटेज कमीशन के चक्कर में आपको, जैसे ही एडमिशन का टाइम शुरू होता है नया सेशन का, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उनको सब कुछ मान चुके हैं। हालांकि एक कहावत है कि पूरा का पूरा जंगल इस भ्रम में कट गया कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी उनके अपने बिरादरी की थी। वही हाल आप लोग का है कि आप उनका वीडियो देखते हैं और फिर वो कह देते हैं कि हमारा बच्चा तो फलाने स्कूल में जा रहा है जी, स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया गाइड किया जाता है। वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो अपना वीडियो चलाने के लिए कर रहा है और स्कूल से उसने परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, उसके लिए आपको वहाँ भेज रहा कि वो जितना कैंडिडेट देगा उतना ही, और उसका काम यही है ना। वो लोग ना इसकी पढ़ाई किया, ना इसके बारे में कुछ जानता है, टेक्निकल टर्म्स पे कहीं भी ये नहीं है, जो गूगल पे जितना मिल गया उतना ही बोल देना है, विकिपीडिया पे, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है, तो उनका खर्च कहाँ से चलेगा? वो कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, तो एक 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 उन्होंने अपना ट्रैफिक जनरेट किया, और ट्रैफिक जनरेट करके उनको गुमराह करना, ये काम। तो आप इन चक्करों में ना पड़े, ये बात हम बार बार समझाते हैं, हर वीडियो में लगभग हिंट हम दे ही देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि फिर से हमको वीडियो के माध्यम से समझाना पड़ता है। तो उन लोगों के चक्करों में आप अपने बच्चों को भी ये करते हैं, और वो तो उस स्कूल में नहीं जा रहा, आप जरूर फंस गए, और एक बार में 10-15 हज़ार 20 हज़ार आपका एडमिशन का ले लिया, उससे रिकवर करने में आपको कई महीने लग जाएंगे, कि वो ले लेने के बाद देख रहे हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे, आप स्कूल से निकाल लिए, पैसा आपको रिफंड होगा नहीं, उस सदमे से रिकवर करने में आपको कितने महीने लग जाएंगे, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। अब बात करने के ऐसे बच्चों को, अब आप कहेंगे ना कि ऐसे बच्चों को तो जनरल जो नॉर्मल प्ले स्कूल या फिर स्कूल वाले तो लेते भी नहीं है ना, तो नहीं लेते हैं तो नहीं ले। आप एक काम करें कि आप थेरेपी के लिए इतना सारा खर्च तो करते ही हैं, घर पे आप ऐसा करें कि एक फीमेल ट्यूटर बुलाएं, टीचर बुलाएं, उसको बोलें कि ये कुछ कुछ चीज़ें हम, जैसे कि जहाँ थेरेपी आप करा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर भी होंगे, सप्ताह में एक आध सेशन उनका लें, स्पेशल एजुकेशन के टिप्स एडवाइस लें, वो चीज़ें उस फीमेल को समझा दें कि इस हिसाब से आप इनको सिखाइए पढ़ाइए, कहिए ये कर सकते हैं। तो घर से ही पढ़ाई वाली ट्रेनिंग में, क्योंकि आपके दिमाग में तो डिग्री लेना रहता है, बच्चा आपका डिग्री कॉलेज जाने लायक हो गया 3-4 साल के एज में, तो जब डिग्री कॉलेज जाने लायक हो गया तो आपको डिग्री लेना है, तो पढ़ाना तो आपकी प्रायोरिटी हो जाती है, बुलवा लेना है, भले मीनिंगफुल ना बोले लेकिन प्रायोरिटी तो आपकी बुलवा लेना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए मान लिया, तो उसको रखिए 2,000 3,000 4,000, जैसे जैसे शहर है उसके हिसाब से, जितना स्मार्ट ये है वो, जितना हाई फाई शहर है उसके हिसाब से चार्जेज होंगे। आपके रिलेटिव में कोई पढ़ी लिखी लड़की होगी जो कि दूर गांव की होगी, उसको शहर में बुला लीजिए, वो अब आगे की पढ़ाई जारी रखे, आपके यहाँ रहे और उसके साथ साथ बच्चे को पढ़ाए उस तरह से, आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से, ये आप कर सकते हैं। स्कूल वाला नहीं लेता, नहीं लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक चीज़ वहाँ भी तो भेज रहे हैं आप, आपको तो भेजना है कि सोशल गैदरिंग में, और सोशल गैदरिंग में क्या हो रहा है कि वो एडमिशन का चार्ज 20-25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार अलग अलग शहरों के हिसाब से ले लिया, फिर उसके बाद देख रहा है कि नहीं, किसी ने कंप्लेन कर दिया हमारे बच्चे के साथ वो रहता है, डिस्टर्ब होता है, अब एक पेरेंट का ये हो गया, आपको कह दे नहीं जी आपका बच्चा तो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, वहाँ भी जाके बच्चे को साइड कर दे रहा है, सोशल इंटरेक्शन हुआ नहीं, डिग्री उसको मिला नहीं, आप स्कूल में डाल के क्या करेंगे? तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जब धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा तो फिर उसको एडमिशन भी मिलेगा, आपके मन में निगेटिविटी, आपके दिमाग में निगेटिविटी भी नहीं आएगी कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया, और ये
स्कूल की बेचैनी क्यों रहती है इतनी? आपको डिग्री लेना है, अभी अभी उसको डिग्री लेना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, जब नहीं चाहिए तो स्कूल के लिए इतनी परेशानी क्यों? अगर देखिए, हम अनफिल्टर्ड रॉ फॉर्म में बात करते हैं, हम कुछ भी छुपा के और कुछ भी ये करके नहीं। मेरे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि हम कुछ गलत ये कर रहे हैं, लगे तो लगे, रूड बोल रहे हैं, लगे तो लगे, लेकिन सही बातें आपके लिए बोल रहे हैं, समझ में आ जाए, अच्छी बात है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे, न्यूरॉन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके अंडर में पटना में हमारे दो सेंटर हैं और एक हमारा प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल वो स्पेशल स्कूल नहीं है, लेकिन इस तरह के बच्चों के लिए भी वहाँ उन्हीं बच्चों के साथ सुविधा है, उनके लिए अलग से नहीं है, वो स्पेशल स्कूल नहीं है। मैंने जैसा बताया, नॉर्मल बच्चों में इन बच्चों को रखा जाता है। अभी इसी साल से शुरू किया गया, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, और नॉर्मल बच्चों के बीच में उन बच्चों को भी रखा जाता है, और अलग से 1 घंटे का टाइम इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशली दिया जाता है, जिसमें कि पेरेंट्स को रखा जाता है और स्पेशल एजुकेटर सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है इसके पढ़ाई पे, घर पे कैसे आप वर्क कर सकते हैं। उस बीच में पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है, बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो बच्चे का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी होते रह रहा है, हमारे साथ आप हमारे पटना के थेरेपी सेंटर में भी जुड़ सकते हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर बाहर से आके, कई अलग अलग स्टेट से आके जुड़े हैं, और हमारे स्कूल में भी अब धीरे 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 एडमिशन अभी से शुरू ही किया गया, बीच में तो डीएम के आदेश पे स्कूल बंद किए गए थे, अब धीरे धीरे शुरू होगा, गर्मी कम हुई है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, ये नॉर्मल प्ले स्कूल है, स्पेशल स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन बच्चों के साथ ही आपका बच्चा रहेगा और किसी पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सारे टर्म कंडीशन के साथ ही ये लिया जा रहा है। किसी को आपत्ति होगी तो उसको ही यहाँ से उसका जो भी होगा टर्म कंडीशन के साथ उसको वापस भेज दिया जाएगा। जो नॉर्मल बच्चा कोई आ रहा है, जिसको नॉर्मल का टैग लगा हुआ, ठप्पा लगा हुआ, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी कि इस बच्चे के साथ मेरा बच्चा नहीं बैठना चाहिए, तो तुम लेके जाओ ना अपना, ये बच्चा हमारा रहेगा और उसके लिए सही से ये किया जाएगा। पटना में बोरिंग रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग में हमारा स्कूल है, और ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो ये है, मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है। जिन लोगों को भी हमारे थेरेपी सेंटर से रिलेटेड या फिर हमारे स्कूल से रिलेटेड बात करनी है, जाननी है, सारा प्रोसीजर समझना है, यहाँ पे नंबर दिया रहता है, दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करेंगे, उस पर बात करेंगे, सारा प्रोसीजर समझ लेंगे, आप अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं। और यकीन मानिए, हम चूंकि आज तक कई 1,000 बच्चों को देखा, इसलिए इन बच्चों के हिसाब से एक फेवरेबल कंडीशन रेडी कर रहे हैं, फेवरेबल एक एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं। जब से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके बच्चे की प्रॉब्लम में भी सुधार आएगा और धीरे 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 वो एजुकेशन में भी उसके सुधार आएगा। स्पेशल स्कूल भेजना सोल्यूशन कभी भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, वीडियो भी पसंद आएगा, समझ आएगा। अगर आप पटना में आके रह सकते हैं तो आप अपने बच्चे की थेरेपी भी कराएं और बच्चे के लिए स्कूलिंग भी कराएं, सारी चीज़ें एक ही जगह पे व्यवस्था हो सकती हैं। बस ये कहेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और फ्यूचर के लिए जो धन संचय कर रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, बच्चा इंडिपेंडेंट होगा तभी तो उसको संभाल पाएगा। आप तो बच्चे के लिए कर रहे हैं, आपके पिता आपके लिए किए, अब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप चाह के भी 50-60 हज़ार की घड़ी नहीं खरीद सकते हैं, लाखों रुपए का महीना कमा रहे होंगे तो भी। बच्चा जब आपका जैसे 9th-10th में जाएगा, उसको लैपटॉप की नीड होगी, तो आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप उसको खरीद के दे देंगे। उसको 20 हज़ार की घड़ी चाहिए, आप दे देंगे। उसको 10 हज़ार का जूता चाहिए, आप दे देंगे। आप अपने लिए नहीं खरीद सकते,
पिता के पैसे से आप ये कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते जहां तक मेरा जानना मानना है। तो जब कर बच्चे के लिए ही रहे हैं तो फिर उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करें, पहले उसको इंडिपेंडेंट बना दें, उसको ठीक कर लें, उसके बाद सारी चीज़ें वो संभाल लेगा, धन थोड़ा कम ही कमाएंगे, आगे वो कर लेगा। कहा जाता है ना, ऐसे एक कहावत हमको आदत है थोड़ा आसपास की चीज़ों पर, कि पूत कपूत तो का धन संचय, या पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब कि अगर बेटा कपूत निकला, बदमाश निकला, बात नहीं मानता है, अवहेलना करता, तो फिर धन संचय करके क्या उड़ा ही देगा। पूत सपूत तो का धन संचय, मतलब कि अगर सही ही है, सब कुछ सही है, बच्चा आज्ञाकारी है, सारी बातें समझता, धन संचय करके क्या, बाकी वो खुद ही कर लेगा, वो खुद ही सबको अमीर बना देगा। तो ये वाली बात, तो अब कपूत सपूत तो एक अलग मायने में, यहाँ ये वो अगर उसको प्रॉब्लम ही रहेगी तो का धन संचय, और पूत सपूत मतलब सब तरह से सही है तो का धन संचय, खुद बना लेगा। मैंने किसी सेलिब्रिटी का, शायद जैकी चेन या किसका, तो सुना था कि वो मतलब अपने किसी ट्रस्ट के नाम कर चुका है सारी संपत्ति, की जब मर जाएंगे तो ये इस ट्रस्ट को चला जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए चला जाएगा। अब इतना जैसे कि क्या है कि मेरे माता पिता ज़्यादा कुछ नहीं ये करते थे, उनका ज़्यादा ये अप्रोच नहीं था, इस तरह का ये नहीं था, हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमको ये सारी चीज़ें ये हुई हैं। अब हमारा बच्चा ज़्यादा ये है कि वो जैकी चेन का बेटा है, तो फिर उसको खुद से ये करने की ज़रूरत है। अगर वो काबिल होगा तो फिर से सारा साम्राज्य बना लेगा, काबिल नहीं होगा जो हमने बनाया वो उड़ा ही देगा, तो फिर भी परेशानी में रहेगा, तो इसलिए उसने सारा ये करा। कहीं हमने देखा पढ़ा था शायद, हो सकता है कि सच्चाई इसमें ना भी हो, अगर सच्चाई है भी हो सकता है, एक मान लिया कि इसको ये मान लेते हैं ना कि एक काल्पनिक बात है, लेकिन इसमें मैसेज तो है, तो इस बात को समझें और बच्चे के लिए काम करें। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज करेबल। धन्यवाद।